हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं इस सेशन के थ्रू तो जैसा कि आप लोगों को पता हो या आप लोगों में से कई लोगों को इन्फॉर्मेशन ना हो तो डीआरडीओ ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था एडवरटाइजमेंट नंबर वन जिसके अकॉर्डिंग उसने साइंटिस्ट बी के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की थी और उस रिक्रूटमेंट में गेट 2022 और गेट 2023 के कैंडिडेट्स एलिजिबल थे जिनके पास गेट 2022 और गेट 2023 का बैलेट गेट स्कोर था अच्छी रैंक थी वो कैंडिडेट्स डीआरडीओ की उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते थे जैसा कि आप डेट में देख रहे होंगे, तो इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट थी थर्टी ऑफ अगस्त टू इसका मतलब गेट दो और तेईस जो एपियर uh, हो चुके थे जिनके पास गेट स्कोर था अच्छी रैंक लेकर आए थे वो सारे के सारे कैंडिडेट्स में एलिजिबल थे और अप्लाई कर सकते थे और बच्चों ने अप्लाई किया अप्लाई करने के बाद <coughs> जब अप्लाई किया जाता है तो उसके बाद जितने बच्चों ने अप्लाई किया उसके बेस पर और नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेस पर एक गेट स्कोर या गेट का कट ऑफ स्कोर डिसाइड किया जाता है जिसके थ्रू वो इंटरव्यू के लिए बच्चों को कॉल करता है तो उसके लिए मैं इन्फॉर्म कर दूं सो नो डाउट यहां पर इन्फॉर्मेशन में बाईस तेईस वालों को ही दे रहा गेट दो जिन्होंने दिया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो बच्चे गेट दो की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो गेट दो बाईस तेईस के थ्रू जिन्होंने अच्छी रैंक लेकर आए डीआरडीओ की इस नोटिफिकेशन के थ्रू 145 फोर्टी फाइव नोटिफिकेशन नंबर के थ्रू अप्लाई किया उनकी शॉर्टलिस्टिंग के लिए गेट का गेट का कट ऑफ स्कोर डीआरडीओ ने जारी कर दिया ये लगभग छह से सात दिन पहले यह नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं तो अलग अलग ब्रांच के लिए और अलग अलग कैटेगरी के लिए अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस एस एस सी के लिए कट ऑफ गिवन है जिसमें से मैं अगर ईसी इलेक्ट्रिकल के बारे में फोकस करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अनरिजर्व का गेट का कट ऑफ कितना था नाइन वन थ्री था आपका गेट का कट ऑफ एंड ओबीसी के लिए सिक्स सेवेंटी एंड एस के लिए फाइव इधर आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए तो सेवन ट्वेंटी के लिए और ईडब्ल्यू एस के लिए फाइव सेवेंटी फाइव एंड ओबीसी के लिए सिक्स ट्वेंटी जनरल कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा टफ होता है थोड़ा स्कोर बहुत हाई जाता है नो no डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात को आपको मेहनत करनी चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो सेवन ट्वेंटी फाइव जो गेट स्कोर है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा जिससे नेक्स्ट बच्चों को प्रिपरेशन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए तो सेवन ट्वेंटी फाइव जो गेट स्कोर है

तो उसकी जो रैंक थी बेटा वो थी 212 गेट की रैंक ठीक एक मिनट तो उसकी गेट की जो रैंक थी बेटा वो थी 212 गेट में रैंक और उसका गेट का जो स्कोर है वो 729 है तो गेट स्कोर 729 और उसका गेट में जो रैंक थी ए Okay, उसकी 212 रैंक थी ये गेट दो या तेईस में रही होगी इतना मैं उससे डिस्कस करते तो जनरल कैटेगरी वाले, वाले स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं उनको क्या टारगेट करना चाहिए अगर डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी के लिए उनको सिलेक्ट होना है और लगभग इतनी वैकेंसी रहती है जो इतनी अभी निकली हुई थी गेट दो और तेईस के थ्रू तो उनको लगभग दो सौ सौ के आसपास गेट की रैंक लेकर आनी है तब जाके उन्हें डीआरडी इतने बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलेगा या उनको गेट स्कोर की बात करें जो लगभग हर साल ऑलमोस्ट सेम रहता है तो सेवन थर्टी के आसपास मतलब आप सेवन फिफ्टी तक भी गेट स्कोर लेकर आते हैं तो सेवन फिफ्टी तक आप सेफ मान के चल सकते हैं डीआरडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए अब इन बच्चों के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आया है ये दो हजार बाईस तेईस की थी अब बात करता हूं मैं दो हजार चौबीस वाले स्टूडेंट जिन्होंने दो हजार चौबीस में गेट एग्जाम दिया था क्या उनके लिए डीआरडीओ ने कोई वैकेंसीज निकाली हैं साइंटिस्ट बी की तो अब अगर हम देखते हैं तो अगर हम डीआरडीओ की वेबसाइट पर जाते हैं तो गेट 24 के लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट बी की पोजीशन के लिए जो भी इच्छुक हैं आरडीओ में काम करने के लिए उनके लिए जल्द से जल्द एक नोटिफिकेशन आएगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एट द ऑर्गेनाइजेशन और 2024 हजार चौबीस में जिन्होंने गेट का स्कोर दिया उनका बैलिड गेट स्कोर वो अपने पास रखें अच्छे से

अगर बहुत ज्यादा सेफ खेलना है उसको पीएससी के लिए तो एट तक गेट स्कोर को लेकर जाए मतलब ये मैं जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स उसी बेस पर जो कट ऑफ गिवन है उस बेस पर अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं तो मैं जनरल कैटेगरी के बारे में इसलिए बोल रहा होता हूं क्योंकि उनका सबसे टफेस्ट लेवल पर जा रहा होता है अगर उस लेवल तक हर कैंडिडेट तैयारी कर रहा होगा तो हर किसी का ही सिलेक्शन हो जाएगा तो अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी का है तो वो ये टारगेट मान के चले कि वो जनरल की तरह ट्रीट करे अपने को सो दैट अगर उसका टास्क इतना बड़ा होगा तो ओब्वियसली वो सिलेक्ट ईजिली हो जाएगा ठीक है तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी स्टूडेंट जो ईसी इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करता है वो अपना ये सपना पूरा करना चाहता है तो एग्जाम दोस्त बेटा वो प्लेटफॉर्म है जहां पर ईसी इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट आपको मिलता है बेस्ट फैकल्टी पूल के अंडर द गाइडेंस तो अगर मैं आपको बता दूं तो आज जो 22 अगस्त है आज लास्ट डेट है आपका ऑफर का जो मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है हमारे एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म के सारे के सारे कोर्सेज पर आपके पास गेट दो से लेकर गेट दो के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो बच्चे गेट दो को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए टारगेट बैच है हमारे पास रैंक इंप्रूवमेंट बैच है जो बच्चे अभी गेट दो देने वाले हैं उनको रैंक इंप्रूवमेंट बैच ज्वाइन करना है तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच अवेलेबल है सारे कोर्सेज पर आपका मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे फेस्टिवल की वजह से तो सेम बात करें तो यहाँ पर कोर्स की प्राइस लिखी हुई है तो ईसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है बाकी अगर बता दूं तो मैंने अभी ट्वेंटी अगस्त से ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज स्टार्ट किया है जो भी कैंडिडेट गेट दो हजार पच्चीस दो हजार छब्बीस की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे दो हजार छब्बीस की तैयारी कर रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कि एग्जाम दोस्त पर कैसी क्वालिटी दी जाती है तो आप ईडीसी के कोर्स को ज्वाइन करके आप देख सकते हैं कि एग्जाम दोस्त पर आपको क्या प्रोवाइड किया जाता है और फिर उसके बाद आप उसी कोर्स के बेस पर उस सब्सक्रिप्शन के बेस पर ही आप अपने आ, दो हजार छब्बीस के बैच में अपने आप को शिफ्ट करा सकते हैं एनरोल करा सकते हैं तो मैंने बीस अगस्त से स्टार्ट किया इधर सर ने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था अंकित सर ने जो जुलाई में ही स्टार्ट हुआ था आपका तो आप मैथमेटिक्स पर जैसा इंपोर्टेंट सब्जेक्ट सर की गाइडेंस में पढ़ सकते हैं तो सब्जेक्ट वाइज इस कोर्स अवेलेबल है और फुल कोर्सेज भी अवेलेबल है तो ये आपको एग्जाम दोस्त पर मिलता है सारे कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट है तो आप एनरोल कर सकते हैं आज लास्ट डेट है ऑफर की उसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिल पाएगा आप अपनी मनी को सेव कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ जो भी बच्चे गेट दो हज़ार दिए हुए हैं अगर उनको यह इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए दो जो बच्चों ने गेट दिया उनकी अच्छी रैंक आई है तो वेट कर सकते हैं डीआरडीओ जैसे अपॉर्चुनिटी के लिए और जो पच्चीस और छब्बीस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह सेशन इंपोर्टेंट है कि उनको क्या टारगेट करना है क्या उनका टारगेट होना चाहिए अगर वो डीआरडीओ में जाना चाहते हैं थैंक यू वेरी मच बाय बाय